तो एक बार फिर से स्वागत है आपका काव्य बेकर्स में। तो ये देखिए हमारा फाइनल क्रीम बीट करेंगे। और देखिए ये क्रीम बीट हो गई है मेरी, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 5 मिनट के लिए। और देखिए ये है हमारे पाइनएप्पल केक के ब्रेड, जिसे मैंने सुबह 4 बजे उठ के बनाया था और मैंने इसमें क्रम कोटिंग कर दी थी। और इसके लिए मैंने पाइनएप्पल जो क्रश है वो घर पे ही बनाया था, एक दिन पहले बना दिया था मैंने मार्केट से पाइनएप्पल लाके। और ये बिल्कुल फ्रेश है और ये मेरा 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर होकर चल सकता है। और अब इसके बाद हम इसको देंगे फाइनल टच, जो कि इसकी जो ऊपर की लेयरिंग है वो है ब्लू कलर की। और इसे मैं अच्छे से स्मूथ कर दूँगी चारों तरफ से, अच्छे से अपने पैचुला से घुमा के, और अच्छे से इसे हम टर्न टेबल को घुमाएंगे और अपने स्मूथ हाथों से इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो ये देखिए ये मैं चारों तरफ से मैंने क्रीम लगा दी है पैचुला की मदद से। और अब मैं इसे एक स्क्रब से अच्छे से इसे राउंड शेप में घुमा के लेफ़्ट और राइट अच्छे से इसको स्मूथ कर लूँगी। स्मूथ करने के बाद जो हमारा ये केक है, ये हमारा थीम जो है स्पाइडरमैन की थीम है, और इसमें मैं स्पाइडरमैन मैंने मार्केट से परचेस किया है। और ऊपर से मैं इसके स्पाइडरमैन का जाला बना दूंगी ब्लैक कलर से, और जो इसके चारों तरफ से हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे और उसमें हम विंडो बनाएंगे गोल्डन कलर की। तो ये देखिए हमारा केक ये रेडी हो गया है। और ये है 5 साल के बच्चे का केक पत्थर, जो कि बहुत गुलू सा क्यूट सा है। ये मैंने स्पाइडरमैन लगा दिया और मैं इसे डिलीवर करने जाऊंगी। थैंक यू।